बता दें कांग्रेस ने केंद्रवार मतदान प्रतिशत डेटा वेबसाइट पर डालने से इनकार करने पर गुरुवार को चुनाव आयोग ईसी की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का झुकाव एक तरफा है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने चुनाव आयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर कार्रवाई न करके और इसके बजाय सत्तारूढ़ बीजेपी का चुनाव विभाग बनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सिंघवी ने कहा कि आयोग एक तरफा और एक विशेष पार्टी के प्रति अंधभक्त हो गया है। यह सब दुर्भावना से किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग भारत सरकार का चुनाव विभाग बनना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की टिप्पणी तब आई जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया जिसमें कहा गया है कि मतदान केंद्रवार वोटिंग डेटा का खुलासा और इसे अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करने से चुनाव मशीनरी में अराजकता पैदा हो जाएगी जो पहले से ही चल रही है। सिंघवी ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ शिकायतों और मतदाता डेटा का खुलासा न करने पर चुनाव आयोग की कार्रवाई एक हाई लेवल संवैधानिक संस्था के अनुरूप नहीं है। यह संस्था की संवैधानिक जिम्मेदारियों के खिलाफ है। चुनाव आयोग किसी पार्टी का चुनाव एजेंट नहीं हो सकता। जब कोई संवैधानिक संस्था संविधान का पालन नहीं करती और सत्ता के प्रति झुकाव दिखाती है तो समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र का यही अंत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि कोई भी ऐसी बातें नहीं कह सकता जो संविधान पर सवाल उठाती हो। उन्होंने कहा कि हम खुले तौर पर कह रहे हैं कि जब तक आचार संहिता का उल्लंघन ना हो चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन क्या कहेगा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग की मनमाने ढंग से चलने वाली एक कल्पना की तरह है। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी कहा है कि फार्म 17 सी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो जनता को किसी विशेष बूथ पर मतदान के बारे में सूचित करता है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग को भाषणों के बारे में शिकायत किए हुए लगभग एक महीना बीत चुका है लेकिन उनकी ओर से प्रधानमंत्री या गृहमंत्री के बारे में एक भी शब्द या फुसफुसाहट नहीं सुनी गई। आयोग की प्रतिक्रिया में एक शब्द भी नहीं। ये दो नाम सामने आने पर यह डर और झिझक क्यों है? यह आतंक क्यों है? यह भी चेतावनी नहीं, एक भी पाबंदी नहीं, एक दिन का निलंबन नहीं, कोई दोष नहीं ढूंढना। चुनाव आयोग में यह कहने की हिम्मत नहीं है कि इन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। क्या आप अपनी विरासत, अपनी स्थिति, अपने 75 साल की संवैधानिक स्थिति भूल गए हैं? सिंघवी ने दावा किया कि पिछले 75 साल में देश ने किसी प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते नहीं देखा जैसा पीएम मोदी करते हैं और फिर भी चुनाव आयोग शांत है, वास्तविक मुद्दे से बच रहा है और उपदेश दे रहा है। चुनाव आयोग एक तरफा हो गया है और एक विशेष पार्टी के प्रति अंधभक्त हो गया है।